हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक संडे Q&A पे जो है स्वागत है। क्योंकि दोस्तों आज है संडे, जैसे कि आप लोग पता है, संडे में मैं बनाता हूँ आस्क मनोज का एपिसोड, जिसमें आप लोग बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन करते हो और उसका मैं करता हूँ आंसर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने कई सारे क्वेश्चंस को पिक किया है जो कि इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। बाकी दोस्तों सबके क्वेश्चन का आंसर का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप लोगों से पहले ही सॉरी। तो चलिए आज के इस संडे Q&A को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है हिंदुस्तानी ग्रुप की तरफ से। ये बोल रहे हैं, मनोज भाई आपका बोलने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है और हम लोग कैसे इसको सुधार सकते हैं। तो गाइस, इस पर मेरा जो है चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे कैमरा को फ्रीक्वेंटली फेस कर सकते हो। ठीक है, उस पर मैंने बताया था कि आप कैसे कैमरे के सामने अच्छे तरीके से बोल सकते हो। तो इसके लिए एक बेसिक सा रूल ये है कि आप घर पे जब भी रहो तो अपने कैमरे के साथ जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कोई एक टॉपिक चूज कर लो, ठीक है, और उस पर खुद से वीडियो बनाने की कोशिश करो, मतलब बोलने की कोशिश करो कैमरा लगा करके। क्योंकि दोस्तों आप जब पहले पहले वीडियो बनाते हो तो आपके सामने जो क्या होता है, नर्वस बहुत हो जाते हो, लगता है यार कैमरा चल रहा है, मैं कैसा बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा है, इस तरह का दिमाग में बहुत सारा माइंडसेट चलने लगता है हमारे दिमाग में, जिस वजह से जो हमारा वीडियो क्या होता है सही तरीके से बन नहीं पाता। लेकिन ये चीज़ स्टार्टिंग में हर एक नए क्रिएटर के साथ होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेशर में नहीं लेना है। आप लोग कोशिश करते रहो, बनाते रहो, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बहुत सारा टेक लेना पड़ेगा, बहुत सारा कट आउट लगेगा, तो वो सब करते करते एडिट करके उस वीडियोस को आप लोग जो है सुधार भी सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछा है रोहित कुमार माहौर। ये बोल रहे भाई, ये यूट्यूब एक ईयर या उससे ज़्यादा पुरानी वीडियोज पर भी मनी देता है क्या? तो जी बिल्कुल देता है। आपका कोई भी कितना भी ओल्ड पुराना वीडियो रहे, वो अगर आपका चैनल जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा, तो आपका पिछला अगर मान लीजिए 2 साल पहले का कोई वीडियो है तो उस पर भी अगर ऐड चलेंगे, उस पर भी व्यूज आएंगे, तो उसका भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पुराना वीडियो होता है उसमें अर्निंग नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछे एसोनिल लाइक। ये बोल रहे पेमेंट नहीं आया मनोज भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया है? इफ यू हैव नॉट रिसीव योर पेमेंट विद इन 5 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ईमेल प्लीज कॉन्टैक्ट, मतलब क्या करना पड़ेगा? तो अभी तक मैं बता दूंगा, इस मंथ का पेमेंट अभी तक नहीं आया है कई सारे यूट्यूबर्स को, उसमें से मैं भी एक हूँ, मेरा भी अभी तक पेमेंट नहीं आया है। और आज तो संडे है जिस वजह से हॉलीडे हो जाता है, तो इस वजह से आज भी पेमेंट आना मुश्किल है। तो आपका हो सकता है कल मंडे के दिन में पेमेंट आ जाएगा अगर नहीं आया है तो, या फिर ट्यूजडे तक मान लीजिए कन्फर्म है कि पेमेंट आ ही जाएगा। ट्यूजडे को भी अगर नहीं आता तो आप जाकर के अपने बैंक से जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो लोग भी कभी कभी क्या करता है कई मंथ में होल्ड कर देता है, तो जाकर के पता कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछे भोजपुरी नायक SK। मुझे भी बहुत लोग करते हैं डिमोटिवेट, हार गया हूँ लोगों से। ये बोल रहे बहुत लोग मुझे डिमोटिवेट करता है, तो भाई मैं बताना चाहूँगा, जब आप स्टार्टिंग में यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, काम करते हो, और अगर आप मान लीजिए अगल बगल के लोग आपको नहीं जानते हैं, उनको यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग नहीं पता, तो वो लोग डिमोटिवेट ही करेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उस समय आप जो है कोई एक यूट्यूबर को दिखा सकते हो उनका वीडियोस खोल करके, कि ये देखिए ये कैसा था, इनका लाइफस्टाइल कैसा था, अभी ये क्या लाइफस्टाइल है, ये क्या क्या अभी कर रहे हैं, क्या क्या कर चुके हैं यूट्यूब से, तो ये सब दिखा करके उनको समझा सकते हो। या फिर सबको समझाना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो बोल रहा है बोलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, क्योंकि बोलने वाले बहुत होते हैं, वही लोग जब आप कुछ सक्सेस कर जाते हो, लाइफ में कुछ अच्छा कर जाते हो, तो बोलने वाले लोग ही एक टाइम ऐसा होता है कि आपको फिर सैल्यूट करने लगते हैं और चुप भी हो जाते हैं खुद ब खुद, इसलिए ज़्यादा वो सबको माइंड में लेना ही नहीं, अपना काम करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछे SK एडिट्स। तो जो आपने थंबनेल में बताया वो गलत है, 2 करोड़ रुपया नहीं कमाए। सर आप गांव से लगते हो, प्लीज बताओ कौन से गांव में रहते हो। तो सबसे पहली बात कि मैंने पिछले Q&A में टाइटल रखा था कि 2 करोड़ रुपया मेरा टोटल इनकम है, उसमें ऐसे ऐसे बैड बैड कमेंट्स आए हैं। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा, पहले वीडियोज़ को पूरा देख लेना उसके बाद कमेंट करना। मैंने उस पर बताया था कि मेरा जो है गूगल में ये चीज़ बताता है जो कि रॉन्ग है, उसको बताने के लिए मैंने वो Q&A बनाया था, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये गलत चीज़ ना रहे कि आप लोग जो है कुछ मतलब ऐसा लगे कि मैंने इतना ज़्यादा अर्निंग कर लिया है, तो ऐसा करना नहीं है। और गाइज एक कमेंट है आपका जो है, इसने फिर पूछा है कि सर आप गांव से लगते हो तो प्लीज़ बताओ कि आप कौन से गांव से रहते हो। तो भाई ये तो मैं नहीं बता सकता, गांव का नाम नहीं बता सकता, वरना फिर आप समझ सकते हो कि अभी ही इतना ज़्यादा लोग आते हैं, इतने ज़्यादा आप लोग मिलने आ जाते हो कि मुझे टाइम देना मुश्किल होता है, तो उसके लिए सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछे मुजफ्फर स्टार। डेली रेवेन्यू कट जा रहा है, क्या करें प्लीज़ सजेस्ट मी। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए जब तक आपका 2-3 पेमेंट यूट्यूब से नहीं आ जाता है तब तक आपका अर्निंग कटता है। यूट्यूब अभी पता नहीं क्या करता, पहले नहीं कटता था, अभी कटता है। तो आप लोग कोशिश करो कि इतना ज़्यादा वीडियोस को वायरल करो, इतना ज़्यादा अर्निंग हो जाए कि कुछ अगर काट भी ले तो फर्क ना पड़े। जैसे समंदर का पानी से अगर एक बाल्टी पानी उठा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वो सीन आपके साथ होना चाहिए। तो अपने अंदर में जुनून भरो और वीडियोस को वायरल करने की कोशिश करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछे है रिशु रंजन, हु इज़ योर ड्रीम कार? तो भाई मेरा ड्रीम कार है फॉर्चूनर, वो भी ब्लैक कलर का। इन फ्यूचर अगर भगवान की इच्छा रही, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो जरूर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछे है K सिंह, What are the main document needed to add payment method in YouTube?
तो मेन जो है आपका वोटर आईडी या फिर जो है पैन कार्ड होना चाहिए, और सेकंड आपका गूगल पिन आता है उसको वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो गूगल एडसेंस के अकाउंट में। ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछे सुशांत, तो आज तक कितना अर्न किए हो टोटल यूट्यूब से? ये क्वेश्चन पिछले बार भी मैंने दिया था, तो इस बार मैं बताता हूँ कि मेरा टोटल यूट्यूब इनकम कितना है। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात, मेरे पास 5 लाख प्लस जो है सिर्फ गैजेट है। मैंने 2 साल यूट्यूब में, अभी अप्रॉक्स 2 साल से मैं यूट्यूब से अर्न कर रहा हूँ, और 5 लाख से ज़्यादा सिर्फ मेरे पास गैजेट है। मतलब एप्पल का लैपटॉप है, फ़ोन है, ये है वो है, ठीक है, फिर एक दो कैमरा हो गया है, फिर ये सॉफ्ट बॉक्स, रिंग लाइट्स, ये सब मिला करके 5 लाख का तो सिर्फ गैजेट है। और मैंने खुद से अपने दम पे अपना घर बनाया है, सेटअप बनाया है, ये सब को मिला करके आप लोग समझ सकते हो कि अभी तक तो सिर्फ 10 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है कमा करके यूट्यूब के थ्रू। तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा लेना कि कितना ज़्यादा इनकम है, बाकी और क्लियर कुछ बता नहीं सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछे गायत्री सावसी, भाई आपके घर कहाँ है? मेरा घर है झारखंड राज्य के धनबाद जिले में, स्टेट है झारखंड, डिस्ट है धनबाद, बाकी उससे ज़्यादा नहीं बता सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछे टेक्नो उमर, सर क्या मैं आपका घर आ सकता हूँ? मैं धनबाद आया हूँ, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी वीडियो रेगुलर देखता हूँ। तो भाई मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि अभी देखिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो नहीं है, कोरोना का सीजन है, अभी आप घर से मत आओ कहीं बाहर। आप खुद को भी रिस्क में डालोगे, आप मुझे भी रिस्क में डालोगे, इसलिए अपना सेफ्टी अपने पास है, सेफ रहो, घर में रहो, अभी कहीं आना जाना नहीं है, आप घर पर बैठ करके मेहनत करो। मैं किसी के पास नहीं गया था मिलने, फिर मैं अभी इतना अच्छा खासा यूट्यूबर कैसे बन गया? सिर्फ मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ मोटिवेट करने की, इसलिए किसी को किसी के घर जाना उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप में टैलेंट होगा, आप अपना कंटेंट सुधार लोगे, तो आप घर बैठे ही फेमस हो सकते हो, अच्छा क्रिएटर बन सकते हो, इसलिए घर बैठे रहो, काम करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछ रहे अविराज यूट्यूबर, मनोज भाई आपने इतना प्रोग्रेस कैसे किया? तो भाई मैं डे बाय डे कोशिश करता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की। जैसे मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, जैसा बना रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उससे बेटर हो। इसका मतलब ये नहीं कि कैमरा क्वालिटी बेटर हो, सेटअप बेटर हो, ऐसा नहीं, अपने आप को बेटर, बोलने का तरीका हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, जैसे एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन हो गया, ये सब को मैं कोशिश करता हूँ कि और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा प्रमोद टैक, भाई ये बताओ यूट्यूब पर डाली हुई वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप यूट्यूब स्टूडियो जो है चले जाना, यूट्यूब स्टूडियो पे आप अपने वीडियोस को, अपलोडेड वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, म्यूजिक लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पॉसिबल है, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो इसी पे आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछे स्मार्ट टिप्स ए, मनोज भाई आपका ऊपर बहुत सारे फेक वीडियोस बन रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? तो भाई मैं बोलना चाहूंगा ये कि मेरे ऊपर में जो फेक वीडियोस बन रहे थे, इतना जान लो कि वो लोग व्यूज़ के लिए मेरा नाम यूज़ करते हैं, और मुझे उससे बुरा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि कुछ भला हो जाए, अगर मेरे नाम लेकर के किसी को अगर व्यूज़ आता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं देखिएगा कि पहले मैं रिस्पॉन्स करता था वो सब वीडियोज़ को, अभी आजकल मैं उस सबको नेगलेक्ट करता हूँ, मतलब इग्नोर करता हूँ। जो जो बना रहा आप बनाने दीजिए, उससे मुझे लगता है कि चलो उसका भी कुछ भला हो जाए, अगर मेरा नाम लेकर के व्यूज़ आ रहा है तो आ जाए तो अच्छा ही है, मैं यही सोचता हूँ। भगवान की कृपा से आप भी एक अच्छा क्रिएटर बनो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पूछे हैं सुरेश, ये बोल रहे हैं मनोज भाई आपका नया यूट्यूब सेटअप कब बन रहा है? तो भाई लोग मैं बताना चाहूँगा मेरा नया YouTube सेटअप बन जाएगा 1 महीना मान के चले अप्रॉक्स, क्योंकि अभी मेरा इसके बगल में बेडरूम बन रहा है, बेडरूम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस YouTube सेटअप को मैं स्पेशल सेटअप बनाऊँगा, ये मैंने ब्लॉग पे बोल रखा है, ब्लॉग वाले चैनल पर, ठीक है। मैं यहाँ पर जो कि मेरा जो बेड है वो सब इधर शिफ्ट कर दूँगा, ताकि ये पूरा रूम खाली हो जाए, क्योंकि ये यहीं पर मेरा बेडरूम भी है, मेरा सेटअप भी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा बेडरूम को, मतलब बेडरूम ये नहीं रहेगा, बेडरूम बगल में हो जाएगा, और ये पूरा स्पेशली यूट्यूब स्टूडियो बन जाएगा। और स्टूडियो बनने से मेरा जो है क्या होगा, स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, जगह ज़्यादा हो जाएगा, अभी जगह की कमी है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा इंप्रूव करने की, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कैसा सेटअप बनाया जाए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैंने जैसे कि मेरा अगर मैं थॉट बताऊँ कि मैंने सोचा है कि ये जो आप काउंटर देखते हो, जो मेरा पीछे अभी काउंटर रहता है, कैमरा में हो सकता नहीं दिख रहा होगा, तो मैं सोचता अभी फ्रंट काउंटर बनाने का, इस तरह का फ्रंट वाला काउंटर, कुछ चेयर पीछे रहेगा उसमें मैं बैठूंगा, और लैपटॉप रखा हुआ रहेगा, और बैकग्राउंड का कलर वलर देखता हूँ कि क्या होता है, वॉलपेपर लगा दूँ या फिर थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ, बाकी दो एंगल से कैमरा लगा दूँ, एक ये एंगल एक ये एंगल, तो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। बाकी देखते हैं जैसा जैसा होगा, नया सेटअप जल्द हो जाएगा, इंप्रूव करूंगा, कुछ मॉडिफिकेशन जरूर होगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आप लोगों को पता चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज के ये क्यों एंड ए आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगा आपके कमेंट को पिक करने की। चलिए आज की इस वीडियो पर इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।